नंबर पवन सिंह मनोज तिवारी है, पवन सिंह ना जाए रवि किशन ना जाए, मनोज तिवारी है मनोज तिवारी रहेगा। खसारी लाल हमारे गांव के है, छपरा जिला के, छपरा जिला का कम नहीं, हम जादव जी हैं, वो भी जादव जी है, जादव जी से कम नहीं ना था। कॉमेडी और गाना अच्छा लगता है किसका? खेसारी लाल। अच्छा जादव जी ना? हाँ हाँ, अब बोले दीजिए ना इसको तो ना। नहीं जादव जी के नाम ले लेना, दूसरा नाम खेसारी भैया के साथ रहेंगे और का। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसोर्स। इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अलग ही जंग छिड़ गई है। ये जंग हालांकि पुराना है, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को। हाल ही के दिनों में खेसारी लाल यादव ने एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की, तो हम जनता से ये बात जानना चाहेंगे कि वो किसके समर्थन पे हैं, वो क्या सोचते हैं, और ये जो अश्लीलता की बात होती है ये सब क्या चल रहा है। इन दिनों खेसारी लाल यादव एक पोस्ट किए हैं मगहिया बॉय के लिए कि वो उन्हें गाली दे रहा है, रेप की धमकी दे रहा है। पवन सिंह फिर आज एक पोस्ट किए हैं कि भोजपुरी से अश्लील खत्म कर देना चाहिए, बैन लग। हाँ तो क्या लगता है आपको इन सब में? देखिए जाति विवाद में तो ऐसा होता है कि सब एक दूसरे के ही, अभी तो जानते ही यादव पे गाना, उस पर जातीय विवाद होता रहता है। आपको कौन पसंद है? हमको तो पावर स्टार पवन सिंह। पवन सिंह पसंद है? हाँ। और खेसारी कहानी पसंद है? खेसारी भी पसंद है कॉमेडी से ही, बट होता है ना एक आवाज तो। अच्छा, इन दोनों की लड़ाई में कौन सही है? ऐसे तो दोनों अपने जगह पे सही है जी, क्या कि दोनों एक दूसरे पे अपने निर्भर है रहते हैं, वो नहीं कि उसके दम पे कूदते हैं वो अपने दम पे, इसी के वजह से जी। आपका क्या नाम हुआ भैया? रोहन। कहाँ से आए हैं? परसा से। परसा से। रोहन जी, पवन सिंह पसंद है खेसारी लाल यादव? हम भोजपुरी तो देखते नहीं है, हाँ। लेकिन फिर भी हमको पवन सिंह पसंद है। पवन सिंह पसंद है। भोजपुरी में अश्लीलता का बात हो रहा है, एक दूसरे पे गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही, क्या लगता है आपको? अब मैं कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि मैं, मुझे तो इसमें इंटरेस्ट है नहीं उन लोगों में। तो आपको क्या लगता है भोजपुरी में अश्लीलता सही है कि नहीं? नहीं सही कैसे हो सकता है जी, ये सब गलत बात है, ये तो सही नहीं। बहुत गलत बात है। हम तो यही कहेंगे कि अपने अपने काम अपने मन से कीजिए, और जातीय विवाद ना ही करे तो वही बेटर है। हमारे पास एक और लड़के हैं, क्या नाम हुआ बाबू? करण। करण कहाँ के रहने वाले हो? लोगपुल। कौन पसंद है? पवन सिंह। पवन सिंह पसंद है। काहे पवन सिंह पसंद है? फिल्म उनका अच्छा रहता है। खेसारी लाल यादव के खराब रहता है? उनको भी ठीक रहता है। उनको ठीक रहता है। फेसबुक पे एक दूसरा के गाली गलौज चल रहा है, क्या लगता है तुमको कौन सही है? पवन सिंह। पवन सिंह सही है। ऐसा ही अच्छा लगता है। क्या नाम हुआ आपका भैया? मनीष कुमार। भोजपुरी आप ही सुनते हैं? किक्कर गाना सुनते हैं? खेसारी लाल का। खेसारी लाल के जी। रिक्शा चलाते हैं जी? जी। तो रिक्शा चलाते हुए खेसारी लाल के गाना सुनते हैं जी। काहे खेसारी लाल काहे पसंद है? हमको खेसारी लाल का फिल्म देखने में अच्छा लगता है। पवन सिंह का काहे नहीं अच्छा लगता? हम पवन सिंह का वो दूसरे डायलॉग, खेसारी लाल का हमको पसंद आता है, हम खेसारी लाल का देखते हैं। अच्छा जी। क्या नाम हुआ? मोहम्मद जान। कहाँ से है? यही नेहरू नगर का। नेहरू ने कितना टिकट लिए मैं हाथ में? फैमिली का 7 गो। 7 गो। तो कौन सा मूवी देखने जा रहे हैं आज? यही वाला। कौन वाला? हीरोपंती। हीरोपंती। हाँ। भोजपुरी देखते हैं? देखते हैं मगर लगा हुआ नहीं है। लगा हुआ नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, पवन सिंह ज्यादा पसंद है कि खेसारी लाल यादव? पवन सिंह मोटा गया, खेसारी यादव ज्यादा है। कहे कि मोटा हो गया इसलिए जी। अच्छा एक बात बताइए, फेसबुक पर इन दिनों मतलब गाली गलौज एक दूसरा के कि हम बड़ा तो हम बड़ा, आपको क्या लगता है कौन बड़ा? फेसबुक हम न चलाते हैं न जानते हैं, हम साधारण मोबाइल चलाते हैं। साधारण मोबाइल चलाते हैं। तो अगर मान के चलिए खेसारी या पवन सिंह में लड़ाई हुआ तो आप किसका साइड रखोगे? पवन सिंह का ना? पवन सिंह का ना, खेसारी लाल। खेसारी लाल। तो पवन सिंह के साथ कहाँ मिलिएगा? अब कहाँ है अब जो इसलिए नहीं, जो हिट रहेगा हीरो में, हिट जो फिल्म हीरो जो नंबर वन है वही ठीक रहेगा। क्या क्या बोल रहे हैं बोलिए। नंबर पवन सिंह मनोज तिवारी है, पवन सिंह ना जाए रवि किशन ना जाए, मनोज तिवारी है मनोज तिवारी रहेगा जी। जी भोजपुरी में नंबर वन में टॉप में अभी भी कि तुम नेता में घुस जाए मनोज तिवारी है। अच्छा खेसारी है पवन के झगड़ा में कौन सही है? कौन खेसारी है पवन के? दोनों में कम नहीं है, यहाँ के कहाँ का गोरा पप्पू के है पवन सिंह। खेसारी लाल हमारे गांव के है, छपरा जिला के, छपरा जिला का कम नहीं, हम जादव जी हैं, वो भी जादव जी है, हाँ। जादव जी से कम नहीं ना था, बस इज्जत करता है, मेरा बड़ा भाई है। अच्छा।
कोई भी बोलता है। कुछ दिन पहले स्टेशन भी पटना जंक्शन फैसला हुआ, पवन सिंह मेरा बड़ा भाई है, बस किकरो भी बड़ा भाई मान लीजिए। अच्छा, आप कौन मूवी देखने हैं? खेसारी हीरो पंती टू देखने आए हैं। तो कौन पसंद है, खेसारी की पवन? खेसारी लाल का है पसंद है? एक्टिंग बढ़िया करते हैं। पटना के हैं एक्टिंग बढ़िया करते इसलिए पसंद करते हैं हम लोग। तो इधर विवाद जो चल रहा है तो जानते हैं ना, झगड़ा चल रहा है पवन सिंह के साथ। वो तो जान ही रहे हैं। किसके साथ है? खेसारी भी अगर साथ रहेंगे और का सूरज जी। खेसारी लाल ज्यादा पसंद है कि पवन सिंह? हमको तो ऐसे खेसारी लाल ज्यादा है। काहे पसंद है? क्योंकि इनका कॉमेडी और गाना अच्छा लगता है। कॉमेडी और गाना अच्छा लगता है? किसका? खेसारी लाल। अच्छा, यादव जी ना? नहीं, यादव जी के नाम ले लेना, दूसरा नाम। क्योंकि खेसारी लाल के शुरू से हम इन्हीं के ज्यादा पसंद करते हैं। खेसारी लाल फेसबुक पे पोस्ट किए हैं कि उनकी बेटी और बीवी के बारे में गलत गलत बातें कहा जा रहा है, आपको क्या लगता है? ये सब हम न्यूज नहीं देखते, नहीं सुने सब। आपका लड़ाई होगा पवन सिंह खेसारी में, क्या साथ जाइएगा पक्ष में? खेसारी लाल के साथ। खेसारी लाल जी हाँ। कोई गाना है फेवरेट खेसारी लाल का? गाना तो बहुत सा है लेकिन हम गा नहीं सकते। खेसारी लाल और पवन सिंह में कौन ज्यादा पसंद है? खेसारी लाल पसंद। खेसारी लाल का है? खेसारी लाल पसंद है इसी, अच्छा लग रहा है, अच्छा गाना अच्छा लगता है, सिनेमा अच्छा लगता है। पवन सिंह खेसारी लाल के झगड़ा के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं। झगड़ा हो रहा है दोनों में? पता नहीं मेरे को। एक दूसरे को गाली गलौज किया जा रहा है, अपशब्द बोला जा रहा है, क्या लगता है आपको? झगड़ा तो नहीं हो सकता है, लड़ रहा है। नहीं हो सकता है? नहीं। अच्छा, अगर झगड़ा हो रहा है अभी तो आप किसका समर्थन करिएगा? समर्थन किसको है? यादव जी के करेंगे। यादव जी के? काहे यादव जी के काहे नहीं करेंगे बताइए जी। क्या चीज अच्छा लगता है? गाना अच्छा लगता है उसका जी। गाना अच्छा लगता है। चलिए, कौन पसंद है, खेसारी की पवन? पवन भैया। पवन पसंद है? काहे? वो पवन भोजपुरी का सबसे बड़ा सुपर स्टार है। हाँ, पावर स्टार है उसको बोला जाता है जी। जी, तो इन दिनों फेसबुक पे जो कुछ चल रहा है गाली गलौज, जानते हैं? जानते हैं, वो नेपाल का जो टैटूगर है उसने बोला कि पवन भैया को नहीं पहचानते है इसके वजह से। हाँ, तो आपको क्या लगता है? हमको ये लगता है ना कि जैसे कि वो नेपाल से जो लड़की आया टैटूगर, वो खेसारी लाल का फैन है, ठीक, बोलते हैं कि पवन भैया को नहीं जानते हैं। ऐसा थोड़ी है कि वो पहले टिकटॉक वीडियो बनाते हैं, वो पवन सिंह के सॉन्ग पर वीडियो भी बनाया है, तो वो क्यों नहीं जानेगा? इसी पे सारा विवाद शुरू हुआ, इसी पर हुआ है जी। और उसके बाद जो मगहिया बॉय की तरफ से गलियाया गया है, जो गौतम जो गलियाया गया है, वो ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ बात नहीं है। क्या लगता है आपको, मतलब सही है वो? सही है जी। खेसारी लाल जो बोल रहे कि हमको धमकी दिया जा रहा है बेटी बहन का गाली, अरे कुछ ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं दिया गया, सब गलत है। तो आपको पवन सिंह क्यों पसंद है बता दीजिए? क्योंकि उसका फैन मैं हूँ। फैन है आप? हाँ, सबसे अच्छा मेरे पवन सिंह भैया लगते हैं। कोई एक फिल्म जो उनका बहुत पसंद हो? क्रैक फाइटर। काहे पसंद है फिल्म? वो उसका वहाँ का ही ऐसा कुछ अलग होता है ना, बब्बर शेर से भी ज्यादा उसका। तो आपने लोगों को सुना कि उनको क्या पसंद है, खेसारी लाल यादव या पवन सिंह। हालांकि अगर उनके झगड़े की बात कर ले तो लोगों का साफ साफ कहना है, झगड़ा किसी के बीच हो, गाली गलौज और अश्लीलता कहीं भी सही नहीं है। हालांकि लोग कुछ लोग जो हैं खेसारी लाल यादव को भी पसंद करते हैं और पवन सिंह को भी पसंद करते हैं, लोग उनके एक्टिंग के फैन हैं ना कि इन झगड़ों के। तो लोगों ने तो साफ साफ बता दिया है कि झगड़ा सही नहीं है, लेकिन फिर भी जो उनके पसंदीदा कलाकार हैं वो उनके समर्थन में खड़े हैं। लेकिन आप किसके समर्थन में खड़े हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।